ये है मेरी नई किताब जो कि एक तालीफ़ है। ये पांचवी किताब है। पहली से एतबार से कि ये तालीफ़ है मुकम्मल तौर पे। तालीफ़ से मुराद ये है कि किसी मौजू पे किसी सिलसिले में जो है वो मुख्तलिफ मजामीन को मकालों को एक जगह जमा करके पहले मैंने उनका तर्जुमा किया और फिर उसके बाद जो है वो इनको उनवानात की तरतीब से बारी बारी रखा। इस किताब का मरकजी उनवान जो है वो मशरिक मगरिब और जदीद साइंस, और इस उनवान की वजह जो है वो ज़मानी तरतीब है। ज़मानी तरतीब से मुराद ये कि इल्म का जो सिलसिला जो है वो ज़मानी एतबार से जो है वो उसकी तरतीब क्या रही। तो आम ख्याल तो ये है कि शायद इल्मी या तालीमी तारीफ जो है वो यूरोप से शुरू हुई और बिलखसूस रेनेसांस निशाते सानिया के दौर को समझा जाता है कि शायद बाकायदा इल्मी और तदरीसी सिलसिला जो है वो यूरोप के निशाते सानिया से शुरू हुआ। लेकिन अब जो मज़ीद रिसर्च हो रही है और जब नई चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें अब ये बिल्कुल वादे हो चुका है, अब एक साबित शुदा हकीकत है कि इल्म का तहजीब का और फिक्र की इब्तिदा जो है वो मशरक़ से हुई है। और इस एतबार से सबसे पहले हम मशरक़ को देखते हैं, फिर मशरक़ से इल्म मुंतकिल होता है मगरिब में, और फिर मगरिब में ये जदीद साइंस की शक्ल इख्तियार करता है, और फिर जदीद साइंस के उनवान तले फिर बहुत सारे दीगर जो है वो उलूम का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। इस किताब में मैंने मुख्तलिफ मुल्कों के पांच स्कॉलर्स को लिया है। सारे वर्क पे जो है वो चार अफराद की तस्वीर मौजूद है, जिनमें से एक जो है वो जापान की प्रोफेसर हैं, खातून हैं, सचिको मुराता। इन्होंने जो है वो ये इस्लामी फ़िक़े पर ईरान से पीएचडी करने वाली कोई पहली गैर मुस्लिम खातून हैं, और इनकी एक बड़ी मारूफ किताब है दावो इस्लाम कहलाती है, ताव इस्लाम भी कहते हैं उसको। उस किताब का जो मरकजी ख्याल है वो इस किताब से पहले इन्होंने एक मकाले की सूरत में लिखा था, उसका उन्वान भी दावो इस्लाम ही था। तो बहरहाल मैंने इनसे खातून से मैंने रब्ता किया और मकाले के तर्जुमे की इजाज़त ली, और खातून ने जो है वो बड़ी शफ़क़त से मुझे इजाज़त दी। और इस इनके मकाले का जो मरकजी मौजू है वो है चीनी तहजीब में माबादुत तबीयात यानी मेटाफिज़िक्स का मवादना। मवादना क्या, इन्होंने एक ममासलत जो है वो इस्लाम के मेटाफिज़िक्स और चीनी मेटाफिजिक्स के दरमियान जो है वो एक मुमासलत को इन्होंने जो है वो इस मकाले में एक सूरत देने की कोशिश की है। वो सूरत ये है कि इनका ये कहना है कि जिस तरह इस्लाम के अंदर जो है वो दो मकतबे फ़िक्र पाए जाते हैं, एक बात करता है वहदतुल वजूद पे। वहदतुल वजूद से मुराद ये कि थोड़ी फ़लसफियाना सी बात है, हर चीज़ में खुदा का वजूद यानी खुदा के सिवा इस कायनात में किसी चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है, हर चीज़ खुदा का मदहर है। और दूसरा मकतब फ़िक्र जो है वो कहता है सनवियत का कायल है। सनवियत से मुराद ये कि वो इस बात का इजहार करता है या इकरार करता है कि खुदा ने जो है वो जो मखलूक पैदा की है उसके अंदर भी कदर की एक सलाहियत पैदा की है, और खुदा और कायनात के दरमियान जो है वो एक इंटरेक्शन होता है, और यही इंटरेक्शन जो है वो सारी कायनात में तख्लीकी इन्फ्लक्स का, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, अंग्रेज़ी में इन्फ्लक्स कहते हैं, तख्लीक का एक अमल है जो मुसलसल जो है वो हरकत में है। और ये इसी सनवियत की वजह से है यानी खुदा और कायनात के दरमियान, यानी खुदा की जो कारगुजारी कायनात के अंदर है वो हर चीज़ के अंदर जो है वो गर्दिश कर रही है, हर चीज़ में मौजूद है। और इसी तरीके से चीनी फ़लसफ़े में ताओ कहलाता है। ताओ से मुराद इनकी तौहीद का फ़लसफ़ा है। उस तौहीद के तहत जो है ये दो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, यिन और यौन की, और यिन और यौन से इनकी मुराद यही है कि कायनात के अंदर यिन और यौन जो हैं वो तख्लीक
यानी कि खल्क का जो सारा अमल है और खल्लाकियत का जो सारा अमल है और जो मखलूक के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको उन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो बहरहाल वो तो जब आप पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़लसफियाना है, लेकिन ये इसकी अहमियत ये है कि तहकीक के अंदर ये एक बिल्कुल नया दावी है। यानी मैं मेरी नज़र से गुजरा था, मुझे ये बिल्कुल एक ऐसी नई चीज़ मालूम हुई। और सबसे ख़ास बात जो है वो जो इस मकाले में इन्होंने तहरीर नहीं की, बल्कि वो इस किताब के अंदर जो उन्होंने किताब ताव इस्लाम लिखी है उसके अंदर डिटेल में उसका जिक्र किया है, वो जिक्र इन्होंने ये किया है कि मर्द और औरत के ताल्लुक़ पर इन्होंने बात की है, मुज़क्कर और मुअन्नस के ताल्लुक़ पर इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि इस्लाम में और चीनी फ़लसफ़े में जो सनवियत पाई जाती है दरअसल वो वही है जो मर्द और औरत के दरमियान है। इन्होंने ये वादे किया है कि मर्द और औरत के दरमियान कोई दर्जा बंदी इस तरह की नहीं है कि कोई किसी से बालातर है या कोई किसी से नीचे, बल्कि ये सारी कायनात जो है वो जोड़ों की शक्ल में चल रही है, यानी कि सनवियत की शक्ल में चल रही है। और बकौल इनके खालिक कायनात से लेकर और तमाम मखलूकात तक सारा का सारा तख्लीकी अमल जो है वो सनवियत की वजह से है। वो सनवियत की वजह से जो है वो यही सनवियत हमें मर्द और औरत में नज़र आती है, ये मुदक्कर मुअन्नस में नज़र आती है, ये फलों में भी नज़र आती है, ये पौधों में भी नज़र आती है। और इसके लिए इन्होंने कुरान की बहुत सी आयात को मिसाल के तौर पर पेश भी किया है, और जिसमें उन्होंने फलों के जोड़े और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं उनका जिक्र किया है। अच्छा, इस किताब में जो मरकज़ी शराकत दार हैं या कंट्रीब्यूटर हैं वो हैं प्रोफेसर जॉर्ज सलीबा साहब। प्रोफेसर जॉर्ज सलीबा साहब जो हैं ये अमेरिकी निजाद हैं और अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ाते रहे हैं, लेकिन इनकी पैदाइश जो है वो लबनान की है। तो लबनान में जब ये ज़ाहिर पैदा हुए थे तो इनकी अरबी जो है वो नेटिव अरबियों की तरह है। तो इन्होंने वहाँ पे जो रिसर्च का तहकीक का काम इब्तदाई किया उसमें ये कई इंकशाफात सामने लेकर आए, और इस किताब को लिखने या इसकी तालीफ का जो महर्रिक पैदा हुआ, मोटिव जो मुझमें आया था, वो बुनियादी तौर पे इनका एक मकाला था प्रोफेसर जॉर्ज सलीबा साहब का। उस मकाले का उन्वान था यूरोपीय कुतुब खानों में अरबी मुसव्विदे या जो मखतूतात वहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने इनका ये कहना है और बाद में फिर ये साबित भी हुआ है कि यूरोप के जो कुतुब खाने हैं, लॉरेंटियाना का है या पेरिस का है या इंग्लैंड का है, वहाँ पे इन्होंने जो है वो जाकर वो अरबी मुसव्विदे निकाले जो तकरीबन 1000 साल थे, 500 साल थे, 600 साल थे वहाँ बंद हैं, किसी की उन पर नज़र नहीं पड़ी, किसी ने उन पर तहकीक नहीं की। इन्होंने उन मुसव्विदों को निकाला और उसका मुताला किया और उसके नतीजे में बड़े इंकशाफात किए। तो इनका जो पहला मकाला जो यूरोपीय कुतुब खानों के उलूम था उसमें शुरू मैंने जो किया है वो पहले तो इनके तारुफ से किया है कि ये जो है ये हैं कौन और इनकी तहकीक क्या है। उसके बाद इनका मकाला, उस मकाले की ख़ास बात ये है वो इंकशाफाती इस एतबार से है कि उसमें जो है वो दमिश्क यानी कि शाम में उस ज़माने में जो सुरियानी उलूम का जो सिलसिला था उसमें इन्होंने कुछ नए नाम मुतारिफ करवाए हैं। उन नाम जो है मोहिदुद्दीन उल उर्दी कहलाते हैं, उनका एक थ्योरम है लेमा कहलाता है और यूरोप में पढ़ाया जा रहा है। और दूसरे साहब जो हैं नसीरुद्दीन तूसी, नसीरुद्दीन तूसी गालिबन शाम के नहीं हैं लेकिन उन्होंने भी सुरियानी में या अरबी में उस ज़माने में जो काम किया। तूसी नस्बतन मारूफ आदमी है, जॉर्ज सलीबा से पहले भी लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन जो इन्होंने जो उनका मखतूता निकाला और उसके अंदर जो थ्योरम सामने आया वो अभी वहाँ मगरिब में तूसी कपल के नाम से पढ़ाया जा रहा है। और इन दोनों थ्योरम के इंकशाफ के साथ ये बात सामने आई कि कॉपरनिकस ने जो
सूरज मरकज कायनात का तस्वुर पेश किया था, जिसको हम कॉपरनिकन रेवोल्यूशन कहते हैं, कि जिसके बाद यानी जदीद साइंस की इब्तदा जो हम शुरू करते हैं वो कॉपरनिकस से करते हैं। लेकिन जॉर्ज सेरेबस साहब का दावा ये है कि कॉपरनिकस जो है वो जदीद साइंस का पहला आदमी नहीं था, बल्कि वो अरबी साइंस या पुरानी साइंस का आखिरी आदमी था। और कॉपरनिकस ने जो है वो उर्दी से और तूसी से जो है वो अपनी साइंस अखस की है और अपने ख्याल को तरतीब दिया और ये सारा सिलसिला। बहरहाल ये मकाला बड़ा इंकशाफ आती है उनका। तीसरे साहब इसमें जो हैं वो हैं मॉरिस बुकाइए। मॉरिस बुकाइए बड़े मारूफ आदमी हैं, उनकी किताब फ्रांसीसी डॉक्टर हैं बुनियादी तौर पे, और इनकी किताब इन्होंने 70s में लिखी थी, कुरान बाइबल एंड साइंस। उसका तर्जुमा भी हुआ है, काफ़ी शकील है, लेकिन ये है कि वो उस किताब से ये इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। उस किताब का मुकदमा ये था कि इन्होंने कुरान बाइबल और साइंस का मुबादला किया था, इंजील के और कुरान के मतून को लेके इन्होंने साइंस को, बल्कि साइंस पर इन किताबों को परखा था, या इन्होंने कोई ममाथलत या हकायक जानने की कोशिश की थी कि क्या बाइबल और कुरान वैसा ही कुछ कहते हैं कि जो साइंसी तौर पे साबित भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उस किताब में इनका मुकदमा ये था कि जनाब बाइबल में तो ज़ाहिर बहुत सारी गलतियां और सामने आई, लेकिन ये ख़ुद भी हैरान हुए और फिर उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि कुरान में जो भी साइंसी एतबार से हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो मौजूदा जदीद साइंस से मुताबकत में है। और उसमें नस्बतन इनकी कोशिश ये थी कि कुरान को पहले तो ये है कि बाइबल की नस्बत बेहतर साबित करें, और दूसरी कोशिश ये थी कि साइंस से मुताबकत पैदा करके दिखाएं। लेकिन जिस किताब का मैंने इंतखाब किया, जिस किताब से मैंने इनका दो मदामीन लेके फिर मैंने उसको मकाले की शक्ल में तर्जुमा किया, उस किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ मैन। ओरिजिन ऑफ मैन के अंदर मॉरिस बुकाइए, ये नस्बतन इतनी मारूफ किताब नहीं है, लेकिन इस किताब की ज़्यादा अहमियत इस वजह से है मेरी नज़र में कि इस किताब में इन्होंने इस्लाम को जो है वो सॉरी कुरान को साइंस से मुताबकत पैदा करके नहीं दिखाया, बल्कि इन्होंने इस बात को बयान किया कि कुरान जो है वो बुनियादी तौर पे कोई साइंसी किताब नहीं है। कुरान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ले जाके आप लेबॉरेटरी में जो है वो कोई फार्मूला साबित करें या किसी किस्म की जो है वो मुताबकत पैदा करने की कोशिश करें। इस किताब में इन्होंने आदमी की असल पे, इनका बुनियादी मौजू इसमें एवोल्यूशन था, एवोल्यूशन यानी कि इर्तका, और इसमें इन्होंने जो है वो अब तक जितना इर्तका पे काम हुआ है साइंसी उसको लिया है और कुरान की बहुत सी आयात को लिया है। इसके अंदर इन्होंने बाइबल को भी लिया है, लेकिन बाइबल को इन्होंने ज़ाहिर है कि फिर इन्होंने वही बात दोबारा इसमें दोहराई कि, लेकिन इस बार इन्होंने बाइबल के हक में एक बात ये कही कि अब ये साबित हो चुका है कि बाइबल जो लिखी गई है या ये जो तालमूत वगैरह लिखी गई हैं ये अपने ज़मानों के जो ज़ोमा थे, इनके जो मजहबी पेशवा थे राहिब थे, ये इन लोगों ने ख़ुद बैठ के लिखी हैं और अब ये एक साबित शुदा हकीकत है। मगरिब में भी अब साबित हो चुका है कि बाइबल के मतून और ये सारी चीज़ें जो हैं ये असल में अपने अदवार के राहिबों ने लिखी, और ये अब लिसानियात में भी साबित हो चुका है क्योंकि दायरे के जो तर्ज तहरीर है नसर है वो ज़माने के अदब से ममाथलत रखती है। फिर उस ज़माने की जो इल्मी इस्तेदाद थी लोगों के अंदर, जो ज़हनी सलाहियत थी वो उसके अंदर नज़र आती है। लेकिन कुरान के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात इन्होंने की है वो ये की है इस किताब के अंदर कि जिस वक्त कुरान का नुज़ूल हुआ, इंजील से लेकर कुरान तक का जितना दरमियान का दौर है, इस सारे दौर में किसी भी किस्म का कोई साइंसी इक्तिशाफ नहीं हुआ, कोई साइंसी इंकशाफ नहीं हुआ, कोई सरगर्मी साइंसी मौजूद नहीं थी, कोई ईजाद नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ सपोर्टिव नहीं थी कि जो नुज़ूल कुरान के वक्त जो है वो कहीं से उसकी सुनगुन ली जाती और फिर वो कुरान में बयान कर दी जाती। तो इन्होंने
इस बात का इकरार किया है कि कुरान में इंसान की असल, इंसान की पैदाइश, उसकी जिस्मानी साख्त और इंसानी जिस्म का इर्तिका से मुराद ये कि हम माइक्रो एवोल्यूशन की बात करते हैं। माइक्रो एवोल्यूशन से मुराद ये होती है कि मौसमों की वजह से या जोग्राफिया की वजह से या ख़ुराक की वजह से या रहन सहन की वजह से जो है वो इंसानों में बहुत ही मामूली सा तगैर आता है। यानी कि अफ्रीका में रहने वालों का रंग काला हो जाता है, ठंडे इलाकों में रहने वालों का रंग गोरा हो जाता है, और ज़्यादा जिस्मानी मेहनत करने वाले जो हैं वो तवाना होते हैं, उनके जिस्म कसरती और वर्दिशी होते हैं। जो लोग दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म की जो साख्त है वो कम होती चली जाती है या वो इतने कसरती जिस्म के नहीं होते। तो इस किस्म के माइक्रो एवोल्यूशन की इन्होंने बात की और वो कुरान ने भी की है, और इसके लिए इन्होंने सूरह 3 की बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा इन्होंने इंसान की पैदाइश, तख्लीक का सारा अमल जो है ना, कि किस तरीके से जो है वो जनीन में नई ज़िंदगी परवरिश पाती है, फिर उसके बाद वो किन किन मराहिल से गुज़रती है। तो मरिज़ बुगाया ने सिंपली कहा है कि ये नामुमकिन है, ये बात इम्कान में आ ही नहीं सकती, ये बात मतलब तसव्वुर से मुआवरा है कि आप उस वक्त के जब अभी कोई अल्ट्रासाउंड का कोई इंतज़ाम नहीं है, किसी किस्म का कोई कैमरा मौजूद नहीं है, कुरान जो है वो आदमी की पैदाइश के उन मराहिल की वजाहत करता है कि जो अंधेरे पर्दों के पीछे हो रही है। तो ये ज़ाहिर है कि मौजाती है, और ज़ाहिर है कुरान एक मौजा है। और मेरे इल्म में नहीं मुरीद बुगाई ने इस्लाम कबूल कर लिया था या नहीं कर लिया था, मेरा ये ज़ाहिर मौजू भी नहीं है। असल बात यह है कि एक महक्क ने एक बात को पढ़ा, समझा, सच जाना और उसको मिनवन बयान भी कर दिया। उसमें उमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो ये रहा है कि मगरिब ने बहुत मुतासिबाना नैरेटिव लिखा है मशरक़ के बारे में, और वो बाकायदा एक इल्म की शक्ल में पढ़ाया भी जाता है। ओरिएंटलिज्म इस्तशराकियत कहते हैं हम इसको, इस्तशराकियत कहते हैं हम इसको। तो इन्होंने दयानतदारी से इस किताब में सारी चीज़ का जिक्र किया, मुझे पसंद आया, मैंने इसमें से 2-3 मज़ामीन लिए और उनका तर्जुमा किया। और इस किताब में जो चौथी शख्सियत है वो हैं प्रोफेसर हस्टन स्मिथ साहब। ये हयात नहीं है, और हस्टन स्मिथ जो है वो स्टडी ऑफ रिलीजन्स में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे मशहूर किताब जो है वर्ल्ड रिलीजन्स, यानी दुनिया के मज़ाहिब जो है, वर्ल्ड रिलीजन्स दुनिया के मज़ाहिब जो है वो मदरवी मुतालियात जो शोबजात हैं उनमें बड़ी मारूफ मकबूल किताब है, और तकरीबन एक कंपलसरी स्टडी है ये। और इनकी एक किताब जो मुझे बहुत पसंद है वो है वाई रिलीजन मैटर्स, और वाई रिलीजन मैटर्स के अंदर जो है वो इन्होंने मतलब जितना भी थोड़ा बहुत मेरा मुताला है मैंने ज़िंदगी में, कुछ किताबें ऐसी हैं कि मतलब बड़ा मतलब यकीन नहीं आता कि किसी इंसान का काम है। तो वाई रिलीजन मैटर्स के अंदर जो है हस्टन स्मिथ साहब ने जो है वो मज़हब का मुकदमा रखा है, और बिल्कुल लॉजिकल अंदाज में रखा है। मतलब आप पढ़ते भी महसूस करेंगे कि कोई लिखने वाला कोई मजहबी आदमी नहीं है। मजहबी से मेरी मुराद ये है कि वो कोई लोप साइडेड नहीं हो रहा ना, लोप साइडेड स्टडी है ना, तहकीक है, बल्कि बहुत ही बैलेंस रिसर्च, और इतना आर्गुमेंटेटिव है कि कोई काउंटर नहीं कर सकता उसको, यानी कोई आसान काम नहीं है उसे काउंटर करना। तो इनकी किताब का एक मजमून मैंने लिया है और वो इसमें शामिल किया है, बल्कि एक नहीं, इसमें 2-3 इनके मजामीन हैं, वो फिर मैं आपको इसमें फहरिस्त में आपको नाम पढ़ के मैं बता देता हूँ। एक साहब और हैं इसमें, इफ्तिखार हैदर उनका नाम है, डेली डॉन में वो कॉलम लिखते रहे हैं,
उनसे भी मैंने, वो अमेरिका में रहते हैं और बुनियादी तौर पे इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे भी मैंने इजाज़त ली थी तर्जुमा शाया करने की। अच्छा जी, इस किताब ये तो फहरिस्त जो है वो कुछ इस तरह से, मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। मुकदमा है, फिर उसके बाद जॉर्ज सलीबा कौन है, उनकी तहकीक क्या है, फिर जॉर्ज सलीबा साहब का मजमून है साइंस इस्लाम से पहले। साइंस इस्लाम से पहले बहुत ही दिलचस्प मकाला है, और इसमें जॉर्ज सलीबा साहब ने, इस मजमून का मकसद ये था कि इस्लामी साइंस का जायज़ा लेने से पहले पस मंज़र में ज़रा सा देख लिया जाए कि इस्लाम के आने से पहले अरब में या मशरक़ में साइंस की जो भी सूरत मौजूद थी वो क्या थी। तो काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है उसमें। तिब के हवाले से जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अरब कल्चर में चली आ रही थी जिनको बहसत के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से तिब्बी तरीक़ों को जारी रखा, जिन्हें बाद में लोगों ने कयास किया कि शायद वो कोई इस्लामी तिब के तरीक़ा है, लेकिन बहुत से ऐसे तिब के तरीक़े थे जो अरब में पहले से राइज चले आ रहे थे। और इसी तरह की कुछ ऐसी सरगर्मियाँ जो हम जिन्हें नीम साइंस ही कह सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि तहकीक का, नई चीज़ों को देखने का, जिद्दतों का रुझान मौजूद था। ये जो तासुर है कि मशरक सो रहा था और मगरिब जागा तो फिर दुनिया जाएगी, ये कतई तौर पे जो है वो दुरुस्त तसव्वुर नहीं है। बहरहाल, साइंस इस्लाम से पहले जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपका अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर क्या मदीद चीज़ें हैं। दूसरा मकाला इनका, साइंस जदीद की जड़ें कहाँ हैं, यूरोपी कुतुब खानों में अरबी नुस्खों के उलूम। ये वही है जैसा कि मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया था कि इन्होंने यूरोप के कुतुब खानों में जो अरबी नुस्खे इन्होंने हासिल किए और उनकी तफसील बयान की है, उनमें मौजूद इल्मी रुझान और साइंसी इक्तिशाफात का उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद मजमून है दसगाह मरागा की फलकियाती रिवायत। दसगाह मरागा ये तालीमी इदारा था, दर्जगाह थी, जिसे आप जदीद ज़ुबान में ऑब्जर्वेटरी कह सकते हैं। यहाँ पे मुसलमान जो साइंसदान थे या मशरक में जो भी मौजूद उस वक्त उलमा ज़ोमा थे, चाहे उनका ताल्लुक ईसाइयत से था, मसीहियत या यहूदियत से था, और सूरत हाल ये थी, तनव्वो इतना था और मल्टी कल्चरलिज्म इतना ज़्यादा था कि बेशतर जो तबीब थे या साइंसदान थे वो यहूदी भी थे, वो ईसाई भी थे, वो मुसलमान भी थे। असल बात ये थी कि तहकीक और इल्म की जो आबियारी थी उसके लिए माहौल कितना साजगार था, और किसी जगह तालीम के लिए या इल्मी सरगर्मियों के लिए माहौल का साजगार होने का मतलब ये है कि वो जिस इंतज़ाम के अंदर है, वो जिस माहौल के अंदर है, वो इंतज़ाम और वो माहौल जो है वो कितना ज़्यादा ह्यूमनिज्म से भरपूर है। कि ज़ाहिर है कोई ऐसा माहौल कि जो आपको हर तरह की इल्मी और तहकीकी मौाक़े फराहम करता हो, तो उससे अच्छा माहौल क्या हो सकता है। और इस्लाम बुनियादी तौर पे इल्मी तहरीक है, इस्लाम के उरूज, इस्लाम के ज़वाल का सारा इन्हिसार जो है वो मुसलमानों की इल्मी हालत के ऊपर है। मुसलमानों की इल्मी हालत ख़राब होगी तो इस्लाम की पोजीशन जो है वो दुनिया में ख़राब होगी, और ये बिल्कुल एक साबित शुदा हकीकत है। और इल्म से मुराद ये नहीं है कि कोई मतलब कोई दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म हो, इस्लाम में कोई दीनी इल्म कोई चीज़ नहीं होती है, ना दुनियावी इल्म कोई चीज़ होती है। इस्लाम में इल्म सिर्फ इल्म है। अब इल्म से मुराद ये है कि आपको हर नई चीज़ के बारे में पता हो, आप हर चीज़ में रहनुमा हों, आप अगर टेक्नोलॉजी है तो आप रहनुमा हों, अगर एग्रीकल्चर है तो आप रहनुमा हों, अगर कोई तालीम का शोबा है तो आप रहनुमा हों, आप सियासत के अंदर रहनुमा हों, आप जब तक हर फील्ड के अंदर जब तक आप इल्मी तौर पर रहनुमाई नहीं कर रहे होंगे। अब ये देखें ना, एक मिसाल है, इस वक्त चीन की मिसाल है ना, चीन इस वक्त जो है वो दुनिया में सुपर पावर है नहीं, लेकिन अब बावर इसलिए किया जाने लगा है कि इल्मी एतबार से चीन बहुत से शोबों में सबसे आगे निकल गया है।
यानी कि अब बाकी दुनिया जो है वो चीनियों को हैरतअंगेज लोगों के तौर पे देख रही है। अब वो जाहिर है इसीलिए देख रही है कि वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बाकियों के लिए हैरतअंगेज है, और हैरतअंगेज वो चीज़ होती है कि जो आपके इल्म में ना आ सके, जो चीज़ आपके इल्म के दायरे से बाहर हो जाती है वो आपको हैरत अदा कर देती है। तो चीनियों में जो इनोवेशंस हैं, जो उन्होंने इकोनॉमिकली अपने आप को सारी चीज़ें की हैं, इल्मी एतबार से वो आगे हैं, और इल्मी एतबार से जो आगे होगा सुन्नत इलाही ये है कि रहनुमा वही होगा, चाहे वो खुदा को तस्लीम करता हो चाहे ना करता हो। खैर, ये इससे अगला मजमून जो है वो चीन के हवाले से, चीन और इस्लामी तहदीब उलूम का तबादला, ये भी जॉर्ज सलीबा साहब का मजमून है। इसमें इन्होंने इस्लामिक सिविलाइजेशन और उस वक्त के चाइना के दरमियान तजारती इल्मी तमाम चीज़ों का जो भी तबादला हो रहा था उसका इन्होंने जायज़ा पेश किया। और एक वाक़या इन्होंने बड़ा दिलचस्प लिखा है उसके अंदर कि दमिश्क में जब खिलाफत थी तो चीन से बाकायदा तलबा आते थे वहाँ पर, और यूनानी कामों के जो तर्जुमे हो रहे थे वो अपने साथ चीन लेकर जाते रहे, और बाद में ये फिर तारीख में गुम हो गया बहुत सारी चीज़ें कि आगे किस तरह वो किस तरह नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जो चीज़ें बयान की हैं वो साबित शुदा चीज़ें हैं, और जो साबित शुदा नहीं है उसमें भी इन्होंने वजाहत कर दी है, लेकिन इस अहमियत पर जोर दिया है कि जो मिलने वाले जो दस्तावेजात हैं, जो हमें ज़माने की चीज़ें हासिल हुई हैं, उनसे एक बात तो साबित हुई है वो ये कि दमिश्क से और चीन तक जो है वो एक इल्मी रुझान मौजूद था, जस्तजू मौजूद थी। और फिर इस पर मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो मज़ीद इंकशाफात होंगे। अच्छा, ये इंटरव्यू है जो सलीबा साहब का, ये मैंने बराह रास्त किया था ईमेल के थ्रू, कुछ सवालात थे इनके मकालों से, कुछ सवाल मेरे जहन में पैदा हुए थे, तो इस सवालनामे को मैंने एक शक्ल दे के फिर मैंने इनको इनसे दरख्वास्त की थी कि मुझे इन सवालों के जवाब दे दें। और इस इंटरव्यू का अनवान मैंने रखा था इस्लाम और साइंस में कोई तसादुम नहीं। इसमें बुनियादी सवालात यही थे कि मज़हब और साइंस में कोई तसादुम तो मौजूद नहीं है, और मुताबकत है तो वो क्यों है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने मकालों में इस बात पर जोर दिया है कि मशरक़ के तलबा और मुसलमान तलबा जो हैं ख़ास तौर पे वो मुस्तशरिकीन यानी कि ओरिएंटलिस्ट की स्टडी ना करें, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट का जितना भी नैरेटिव है उसके पीछे जो है वो प्रीकंसीव आइडिया है, वो आइडिया ये है कि मशरक़ में रहने वाले जो नौआबादियाती दौर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या तालिबे इल्म हैं उनकी इल्मी ज़हनी हालत एक हद से आगे ना जाए, और वो हमेशा एक मरूब मुताला करते रहें, एहसास कमतरी से बाहर ना आ सकें। तो डॉ सलीबा साहब ने इस बात पे हैरत का इज़हार किया था कि अभी भी हमारे यहाँ जो है वो मुस्तशरिकीन को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जिसमें एक बड़ा मशहूर नाम जो है वो उनका है बर्नर्ड लुईस, जिन्होंने व्हाट वेंट रॉन्ग लिखी, मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री लिखी। और इसके एडवर्ड सईद साहब ने अपनी किताब में ओरिएंटलिज्म में बड़ा डिटेल में जिक्र किया है। तो मैंने इनसे सवाल पूछा था कि भाई आप में और इन मुस्तशरिकीन में क्या फ़र्क है, आप भी तो मगरिब में बैठ के और मशरक़ की बातें लिख रहे हैं, तो मैं आपको किस बुनियाद पर तरजीह दूँ और इन तमाम लोगों को मैं किस बुनियाद पर रद्द करूँ। तो इन्होंने बताया कि देखिए, मैंने बराह रास्त अरबी सीखी है, अरबी ज़ुबान में उलूम हासिल किए हैं, और मेरी तहकीक जो है वो बराह रास्त है और आपके सामने है। और मुस्तशरिकीन, रिवायती मुस्तशरिकीन जो हैं वो उनसे काउंटर आर्गुमेंट पर जाती है, और ज़ाहिर है जब ये आप ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तो आपका अंदाज़ा होगा कि इनके मकालों की जो है वो क्या पोजीशन है। इसके बाद जो है वो जदीद साइंस की हदें, प्रोफेसर हस्टन स्मिथ का मजमून है। इन्होंने जदीद साइंस की हदें में एक टर्म इस्तेमाल की है साइंटिज्म की टर्म का हम तर्जुमा करें तो साइंस परस्ती बनेगा है।
इनका इस मजमून में ये मुकदमा है कि जदीद साइंस ने अपने आप को एक आमरियत की सूरत दे दी है, यानी कि जो जदीद साइंस से इत्तेफाक नहीं करेगा उसको जो है वो जाहिल कहा जाएगा, उसको जो है वो हर मैदान में से पीछे रखा जाएगा, उसकी कोई वैल्यूएडिशन नहीं होगी किसी बेल में। बहरहाल इन्होंने इनका इस किताब इस मजमून में ये मुकदमा है कि जदीद साइंस की जो हदें हैं वो उससे काफ़ी आगे जाके दावे करती है, ख़ास तौर पे जैसे डार्विन का नज़रिया है। डार्विन का नज़रिया जो है वो जो एवोल्यूशन का है, मैक्रो एवोल्यूशन का है, कि इंसान जो है वो बंदर से मौजूदा सूरत हालत में जो है वो ढला है। तो अब तक डार्विन की ये थ्योरी जो है ये थ्योरी है, ये अभी तक साबित नहीं हुई है, लेकिन मगरब में इसको ईमान का दर्जा हासिल है। यानी कि अगर आप किसी अमेरिका की या यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एवोल्यूशन पर तनकीद नहीं कर सकते, अगर आप तनकीद करेंगे तो पूरी जितनी भी वहाँ पे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है वो आपके पीछे पड़ जाएगी। तो इन्होंने इस मजमून में ये कहा है कि साइंटिज्म जो है वो साइंटिज्म बिल्कुल एक ऐसे अकीदे की तरह है कि जैसा कोई भी दूसरा मजहबी अकीदा हो सकता है, कि आपको उस पर ब्लाइंडली यकीन करना है और उसको चैलेंज नहीं करना, उस पर क्रिटिक नहीं लिखना, और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। तो जदीद साइंस को जो है वो अपनी हदों में रहना चाहिए, और जितना जो कुछ के साबित हो चुका है, जितना जो कुछ के फ़ायदों के काम हो चुके हैं, इस एतबार से तो ज़ाहिर है कि साइंस हमारे लिए एक बड़ी नेमत है, लेकिन हम साइंस को किसी ऐसे अकीदे की सूरत में कबूल नहीं कर सकते कि जिसे चैलेंज ना किया जा सकता, जिसे चैलेंज ना किया जा सकता। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो अगला मजमून जो है वो इसी का एक ज़मीमा से मरा दिया कि जो बात मैंने पहले कर दी है, साइंस परस्ती जदीद तसव्वुर जहाँ की बुनियाद। इसमें उन्होंने यही कहा है कि इस वक्त मौजूदा दुनिया का जो तसव्वुर जहाँ वर्ल्ड व्यू है वो साइंटिज्म है, और साइंटिज्म जो है वो फॉलो करता है कैपिटलिज्म को, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ वो काम करती है या करना चाहती है कि जिससे पैसा जनरेट हो। वो किसी वेलफेयर के लिए नहीं है, कि तो साइंस किसी वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही होती बुनियादी तौर पर। अगर वो किसी वेलफेयर के लिए भी कोई चीज़ कर रही होती है तो उसमें उसका असल टारगेट जो होता है वो ये होता है कि इससे सरमाया कितना बन सकता है। और इसकी मिसाल टेक्नोलॉजी है हमारे सामने। टेक्नोलॉजी में सारी नई चीज़ें वो होती हैं बुनियादी तौर पर कि जो सरमाया जनरेट करें। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त ये है कि क्लाइमेट चेंज पर काम हो, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बड़ी इनोवेशंस की ज़रूरत है। और लेकिन उसमें मसला ये है कि फिर उसमें सरमाया जो है वो जनरेट नहीं होता। तो इसी वजह से कई दहाइयों से क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंटरनेशनल जो इत्तेफाक़ रहा है वो पैदा नहीं हो सका, और वो इसलिए पैदा नहीं हो सका क्योंकि वो सरमाया नहीं पैदा कर रहा। अब ये सारे के सरमायादार हैं, इनको चाहिए सरमाया। तो तकरीबन 2-3 दहाइयों से जो है वो हमने दुनिया को कार्बन के हवाले किया हुआ है। अब जाकर ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बना है कि अब जो है वो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो बनाई जा रही हैं, ये और चीज़ें बनाई जा रही हैं। उसमें भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जो ग्रीन प्रीमियम है वो मुनासिब हो, यानी कि जब आप मुतबादल कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें भी सरमाया जनरेट करने की सलाहियत हो। बहरहाल तो इस मजमून में ये पढ़ेंगे, आपको तो अंदाज़ा होगा। इसके बाद इफ्तिखार हैदर साहब के दो मजमून हैं, गैर साइंसी साइंस और ईमान और रियादी। गैर साइंसी साइंस से मुराद इनकी वही है जो ह्यूस्टन स्मिथ साहब की थी, कि साइंस इस वक्त जदीद साइंस ऐसे बहुत सारे दावे कर रही है और उन दावों को ईमान का दर्जा हासिल है कि जो कतई तौर पर साइंसी नहीं है बल्कि गैर साइंसी है। गैर साइंसी से मुराद ये कि ब्लाइंडली बिलीफ पे सारा का कि अंधाधुन यकीन करना है। जैसे कि प्रोफेसर नवार आली साहब ने अपनी किताबों के अंदर, बड़ी मारूफ किताबें उनकी, मगर उन्होंने ब्लाइंडली दावे किए हैं बहुत सारे कि अगले 20 साल में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें जो है वो हमारा जो है बिस्तर जो है वो बोरिया बिस्तर गोल कर देगा और हम सब जो है बेचारे वो मशीनों को
को बस मेंटेनेंस कर रहे होंगे और मशीनें हमें चला रही होंगी। और इसी तरीके से उन्होंने मेडिकल के अंदर भी उन्होंने दावा किया था कि वो नैनो रोबोट्स होंगे, बॉडी के अंदर वो मूव करेंगे, पूरी बॉडी सर्च करेंगे और कोई बीमारी होगी तो उसको वहीं रिमूव कर देंगे। इसी तरीके से उन्होंने कुछ ऐसी अद्वियात का भी इंकशाफ किया था कि जिन अद्वियात से आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें ही। वो तो ज़ाहिर है अभी भी हो रहा है, लोग नशा करके भी अपना डिप्रेशन दूर कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है वो भी एक केमिकल है। लेकिन इस किस्म के दावे जो सामने आते हैं ये अपनी असल में बहुत गैर साइंसी रवैया है, और यही इस मज़मून के अंदर जो है वो इफ्तिखार हजरत साहब का मुकदमा है। अगला मज़मून इनका जो है वो ईमान और रियादी, ये बड़ा दिलचस्प मज़मून है। ईमान और रियादी, ईमान और रियादी के अंदर जो है वो इन्होंने जो मुसलमानों ने ज्योमेट्री का जो काम किया है मसाजिद के अंदर, टाइल्स का जो काम किया, ख़ासतौर पर जो टाइल्स मुसलमानों ने बनाई हैं, उन टाइल्स के अंदर जो ज्योमेट्री का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो जदीद ज्योमेट्री की बुनियाद भी है और वो बड़ी हैरतअंगेज़ ज्योमेट्री है। इन्होंने इस मज़मून में ये साबित करने की कोशिश की कि मुसलमान ज्योमेट्री के शोबे में या मज़मून में अपने दौर में कमाल पढ़ते और उसका मदहर जो है वो अगर आप अभी भी जाएं इस्फहान में मसाजिद मौजूद हैं। तो बहरहाल ये ईमान और रियादी जो है ये ज़ाहिर है कि इसका उन्वान जिस तरह का है इसी तरह का ये मज़मून है। इन्होंने ईमान और रियादी के ताल्लुक को साबित किया है और ये मुसलमान रियादी दानों के उस वक्त के इल्मी रुझान को देख के इन्होंने इसको बयान किया है। तो मशरिक़ मगरिब और जदीद साइंस जो है ये बुनियादी तौर पे इनकशाफाती मकालों की किताब है। इनकशाफाती इस एतबार से हैं कि इसके अंदर दुरुस्त इल्मी रुझानात की वजाहत है और तारीख़ में इल्मी बद्दियंती का जिक्र है और रेनेसांस यूरोप में जो बहुत बड़ा इल्मी सरका हुआ और वो यूरोप के कुतुब खानों में जो है वो ले जाकर डाल दिया गया और इस पर सदियों कोई काम नहीं हुआ। और ज़ाहिर है कि यूरोपियंस को उन मुसविदों में इतनी दिलचस्पी भी नहीं थी क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर वहाँ जदीद साइंस पैदा हो रही थी, वो अपना काम कर रहे थे। तो अब बकौल सलीबा साहब के, बकौल प्रोफेसर जॉर्ज सलीबा साहब के, कि ये मुसलमान तलबार महक्कीन की ज़िम्मेदारी है, ये उनका काम है कि यूरोप, अब तो खैर वो ये कहते हैं यूरोप भी नहीं, हिंदुस्तान की भी कुतुब खानों में और दिगर भी बहुत सी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है कि कुतुब खानों में आपको आज भी सैकड़ों अरबी, फारसी, संस्कृत और सुरियानी में आपको ऐसे मुसव्विदे और मखतूते मिलेंगे कि जिनको सदियों से छुआ भी नहीं गया है, जिन पे कोई काम नहीं हुआ है। और इनके बयान की ताईद जो है वो इकबाल का वो शेर है जिसका मिसरा है, किताबें अपने आबा की जो हमने देखी यूरोप में तो दिल हुआ सिपारा, कुछ इस तरह से वो। तो इकबाल ने ज़माने में भी दायरे के वहाँ कुतुब खानों में गए थे और उन्होंने मुसव्विदे देखे थे, लेकिन दायरे के ये इकबाल का ना उस वक्त तनहा काम था, बल्कि इस एतबार से भी उनका काम बहुत इनकलाबी था कि उन्होंने कम से कम ये कि अपनी शायरी में और उस ज़माने में मुसलमानों में ये दरियाफ्तें, ये इनकशाफात जो हैं वो एक पैराए में बयान किए जिन पे बाद में लोगों ने सोचा और काम किया बहुत। तो जॉर्ज सलीबा साहब का कहना है कि बहुत सारे ऐसे नए नौजवान मुसलमान तलबा दरकार होंगे कि जो इन मुसव्विदों पे काम करें, यूरोप के कुतुब खानों तक जाएं, वहाँ से निकालें और इनकी ट्रांसलेशन करें, इनको देखें ये क्या काम है। और उन्हें यकीन है प्रोफेसर साहब को कि ऐसा करने से बहुत सारे उस ज़माने के इल्मी रुझानात और इनकशाफात जो हमें सामने आएंगे। ये किताब जो है ये सिटी बुक पॉइंट उर्दू बाजार से मिलेगी, जो वो टायर वाली गली है ना आप जिसमें जाते हैं, जहाँ वो इनका सेंट्रल एक चौक है उर्दू बाजार का,
उसकी पहली गली है, पहली गली में शिरडी बुक पॉइंट, वहाँ से ये किताब मिलेगी। कीमत इसकी मेरा कीमत इसकी 400 रुपये है और फ़ायदे बेशुमार हैं।